रहमान रहीम। आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है ताकि लोगों को पता चल सके कि वीडियो मोनेटाइज कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब आप यूट्यूब आपको मनी पैसे कैसे देता है, अर्निंग आप लोग करते हैं अपने इस पर, तो वो कैसे आप अर्निंग करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब बेसिकली ऐड लेता है पब्लिसिटी के लिए, जो लोग अपनी अपनी अपने ऐड देते हैं यूट्यूब को, यूट्यूब वो ऐड चलाता है आपकी जो सबसे पॉपुलर वीडियोस होती हैं उनके साथ। और वो ये स्टेज कब आती है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपकी वीडियो मोनेटाइज हो जाती है। और मोनेटाइज होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हैं, वो ये हैं कि आपको 4000 वॉच टाइम, 4000 आवर, 4000 आवर्स वॉच टाइम आपका मैंडेटरी है। उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर आपके होना मैंडेटरी है। दो चीज़ें जब हो जाती हैं आपके पास तो यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज करता है और फिर उस पर आपको ऐड आने शुरू हो जाते हैं और वो आपको उसके ऐड, उस ऐड में से 55% यूट्यूब अपने पास रखता है और 45% आपको देता है। अब ये आपके पास वो 45% से आप उसको अर्न करना शुरू कर देते हैं, आपकी व्यूवरशिप बढ़ती है, आपके सब्सक्राइबर देखते हैं बार बार, और जूँ जूँ वो आपका चैनल बढ़ता है उसके व्यूवरशिप ज़्यादा होती है, उतने ज़्यादा ऐड आते हैं और उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। आपने कभी देखा होगा 4 मिनट से ज़्यादा की कोई वीडियो होती है, 8 मिनट की, 9 मिनट की, उसमें 8 मिनट के बाद 2 ऐड भी आ सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें, और उसी तरह अर्निंग भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि सर हम ये तो वॉच टाइम हमें बाहर से मिल रहा है, लोग कह रहे हैं वॉच टाइम और सब्सक्राइबर हमसे ख़रीद लें, सब कोई 8000 में, कोई 7000 में, कोई 4000 में बेच रहा है मुख्तलिफ लोग, तो क्या हम वो ख़रीद लें। तो मैंने अपने व्यूवर्स को ये बताना है कि ये कभी भी इस वक्त ना जाए, इस स्टेज पे जब आप इनिशियल स्टेज पे हों, जब आपके सब्सक्राइबर अभी 100-200 नहीं हुए हैं, कम से कम आपने 100 वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं, आपकी टाइम आवर्स, आपके वॉच टाइम खुद इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके बाद आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी लें। लेकिन ये वॉच टाइम आपके लिए परमानेंट नहीं होता, वो उस टाइम के लिए मोनेटाइजिंग के लिए, तो वो ठीक है आपको फैसिलिटेट करेगा, यूट्यूब मोनेटाइज कर लेगी। लेकिन जब वो आपको, आप मोनेटाइजिंग में आप आ जाएंगे और आपकी वीडियो की व्यूवरशिप बढ़ना शुरू होना चाहिए, यूट्यूब चेक कर रहा होगा और आपकी वीडियो व्यू हो ही नहीं रही होगी, वजह उसकी है क्योंकि आपने वो ख़रीदे हुए थे सब्सक्राइबर, आपका सब्सक्राइबर या वॉच टाइम आपने जिससे ख़रीदा होगा वो आपकी वीडियोस जाके देख थोड़ी रहा होगा बाद में, उसने तो आपको बेच दिया, अपने पैसे ले लिए और वो साइट पे हो गया। मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, मुझे पता है लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं उनको बताऊँगा कि किससे ले लें वो वॉच टाइम या आवर्स जहाँ लेना हो। लेकिन अभी फ़िलहाल उनको अपने चैनल को, अपनी वीडियो को खुद बनाएं, अपने चैनल को मैक्सिमम टाइम उसको यूटिलाइज करें और अपनी वीडियोस को अपलोड करते रहें, कम से कम 100 वीडियोस और डेली या डे आफ्टर टुमारो, मतलब हर अल्टरनेटिव डे पे आप एक वीडियो ज़रूर अपलोड करें। ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू।